किसकी उसकी सबकी ये जुबानी, दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी, तेरी मेरी इसकी उसकी सबकी ये जुबानी, दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी, देवरानी हो जेठानी, हो देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर, एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर, रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर, एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर, बड़ी बहू सीधी साधी है छोटी है सयानी, एक दूजे पे रौब जमाए करती है मनमानी, देवरानी हो जेठानी, हो देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। हाँ बोलो, एक मिनट रुक जाओ भैया, मेरा ब्रेक आ गया, चले जा रहे हो अंदर, क्या हुआ? जयराम जी की मालिक, क्या चाहिए? ये कपड़े लेकर आए मालिक। हाँ तो हो गया, और कुछ काम है? ये मैम साहब नजर नहीं आ रही हैं। दिल्ली के मशहूर उद्योगपति रवि कुमार की बीवी अपने मालिक घनश्याम के साथ भाग गई, जिसकी वजह से उद्योग जगत में हड़कंप मच गया। रवि कुमार की इकलौती बीवी ने अपने पति से तलाक लेने के बाद श्याम लाल के साथ शादी करने का फैसला किया। शिल्पा, वैसे बात कुछ नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा था कि पायल आज दिखाई नहीं दे रही है, कहीं बाहर गई क्या? बड़ा अंधी बनने का बड़ा बढ़िया तरकीब भाई, अबे कहीं अमीर घर की हुई तो अपनी तो लॉटरी लग जाएगी बे। परवाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, अबे चल मैं सागर निकल ले। अरे अरे सुनिए तो मैडम जी। अरे रो कह रही हैं? अरे आपका सामान चोरी हो गया है का? नहीं? अच्छा, अरे तो कल घर जाने के लिए पैसा नहीं है का? तो हम आपकी कोनो मदद नहीं कर सकते, आपको तो पैदल ही घर जाना पड़ेगा। अरे अरे रो मत, अरे इतनी तेज, अरे ना रो, हम बड़े नाजुक दिल के आदमी है भाई। अबे सागर, अबे हमको तो लगता है कि वो अमीर घर की लड़की है। अबे सोच, अगर तुम्हारा ब्याह इस लड़की के साथ हो जाए। अबे सोच, अबे क्या होगा, अबे अमीर हो जाएंगे बैठे बैठे रातों रात, अबे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। चलो बात करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ए सुनो, तुम कोनो अमीर घर की हो या हमारी तरह फटेहाल हो? थप्पड़ तो बड़ा करारा है, बड़े भारी हाथ हैं। तू जरूर कोनो अमीर घर की लड़की है, हमारा शक जो है बिल्कुल सही होगा, नहीं तो हम गजोदर चाचा को फोन करके पूछ लेंगे। इतना तगड़ा थप्पड़ हम जिंदगी में नहीं खाए भाई, और कोनो गरीब घर की लड़की होती ना, जैसे फूल के ना टुक टुक ऐसे लगता अमीर घर की है। ये हम आ रहे हैं, ये चंद्रमुखी। बहुत काम था भाई आज ऑफिस में। ये बारूद की दुकान इतने आराम से पढ़ाई कैसे कर रहा है? ओए बारूद की दुकान है, कैसे क्या बात है, आज एकदम चुपचाप तुम पढ़ाई कर रहे हो, कल एग्जाम है क्या? ओहो बाबा, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अभी कहानी पढ़ने के इंटरेस्टिंग मोड पर हूँ। और वैसे भी कल मेरी एग्जाम नहीं है, और अभी मैं पढ़ थोड़ी रहा हूँ, होमवर्क भी थोड़ी करना हो,
मैं तो अभी मॉडल की नई बुक पढ़ रहा हूँ। नॉवेल? कमाल है यार, आई एम इम्प्रेस्ड। हैं, तुम अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए नॉवेल पढ़ रहे हो? अच्छा अच्छा, कौन सा पढ़ रहे हो? ओ पापा, मैं इस बुक का नाम ही भूल गया। किताब का नाम नहीं पढ़ा लेकिन किताब पढ़ रहा है। वेरी गुड यार, वेरी गुड। बीवी से झूठ बोलने के 900 तरीके। अच्छा अच्छा, क्या? इधर दे किताब, इधर दे किताब। बीवी से झूठ बोलने के 900 तरीके, ये किताब पढ़ने के लिए तुझे किसने कहा है? और ये कैसी उठपटांग किताबें पढ़ता है तू? तेरी उम्र है क्या सब किताब पढ़ने की है? किसने बोला तुझे ये किताब पढ़ने के लिए, बोल? टीचर ने, उन्होंने कहा था कि हमेशा पढ़ना चाहिए, इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। हाँ तो उन्होंने कहा ना कि हमेशा पढ़ना चाहिए, ये थोड़ा कहा कि ऐसी किताबें पढ़ो तुम है? किस उल्लू के पट्टे ने तुम्हें किताब दी, बताओ? कहाँ से मिली तुम्हें किताब? आपके अलमारी में से मिली। उसका मतलब ये बुक का गुनेगार आप है। किस उल्लू के पट्टे ने तुम्हें किताब दी, बताओ? कहाँ से मिली तुम्हें किताब? आपके अलमारी में से मिली। उसका मतलब ये बुक का गुनेगार आप है। आप लोग तो मुझे पढ़ने भी नहीं देते, हर बार दे फर्स्ट रैंक लाए। जो तेरी हरकतें हैं ना, फर्स्ट। अरे बाप रे बाप, अरे यार टक्कर मारी है, हैं? ये बारूद की दुकान को होक आ गया है जी जाजी, हैं? जब देखो मारते रहते थे हमको। इतना अच्छा मूड था हमारा। अच्छा? हाँ, हम बड़ा रोमांटिक रोमांटिक गाना वाना गाने लगे थे, सुनाए? हाँ, अब हम तो कुछ कर नहीं रहे तो खाली बैठे तो गाने सुन लेते हैं। सुनाओ। अरे अबे सुनाते हैं। ए, कोरा कागज था ई मन हमरा, लिख दिया नाम उस पे तोहरा तोहरा। कैसा है? सिर्फ मन ही नहीं, तुम्हारा दिमाग भी बिल्कुल कोरा है बेवकूफ। क्या कहा आपने? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। वैसे क्या बात है, आज बहुत बहुत खुश लग रहे हो तुम, हैं? लॉटरी लगी है क्या? अरे जिजा, यही समझ लो हमारी लॉटरी लग गई है, अब तो हम करोड़पति बनने वाले हैं कुछ दिनों में। क्या बात कर रहे हो? एक अमीर लड़की से हमारा दिल लग गया है, अब तो बस वो एक बार हाँ कह दे, उसके बाद चक मंगनी पट ब्याह। तुम भी किसी करोड़पति लड़की से शादी करके हैं करोड़पति बनना चाहते हो? वेरी नाइस, दांत देनी पड़ेगी तुम्हारे दिमाग की। पर साले ये सब होगा कैसे? अरे अरे हो जाएगा जिज्जा, देखिए एक सुंदर सी अमीर लड़की को पटाने का जुगाड़ तो हमने कर लिया है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम उसका दिल कैसे जीतें। मतलब दो चार दिन में पिटने वाला है, है? कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। नहीं, हमको लगा कुछ कहा। आजकल बहुत लग रहा तुम्हें, है? पहले भी तुमने कहा, कुछ कहा, कुछ कहा। क्या हम सिर्फ कहते रहते हैं क्या? वैसे मैं तो तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा था कि प्यार का इजहार करने के लिए तुम उसे खत निकालो, ये गाना वाना क्या है, है? ताकि वो तुम्हारा प्रेम पत्र पढ़ते ही तुम्हारे प्यार में बस। आप कुछ ना कहना, हमको सब समझ में आ रहा है, हमारे चक्षू खुल गए हैं, अब हम प्रेम पत्र लिखेंगे। गाना कैंसिल? अब मतलब हाँ, गाना गाते गाते प्रेम पत्र लिखेंगे अब, लेकिन प्रेम पत्र लिखेंगे हम वहां जाके लिखते हैं, हमारा कंसंट्रेशन खराब हो जाता आपको देखकर। हाँ, जाओ जाओ, हाँ, जाओ। क्या होता रहता है इस घर में? हाँ, बीवी से झूठ बोलने के 900 तरीके। लो हमसे पूछ लेता, हम हजार बता देते। अरे पुष्पा, आई लव यू रे। अरे पुष्पा कौन है भाई? La 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 la
हौसला नार। बाबूजी कपड़े लाए मेम साहब कहाँ हैं? उठो उठो ठीक है। बंसी अबे भाई बैठ जा बैठ जा। ए बंसी। हाँ बोलिए मालिक। अबे एक बहुत बड़ा काम किया हमने पता है? क्या 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 काम किया मालिक आप? अबे हमने प्रेम पत्र लिखा है। अच्छा हाँ सुनेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं सुनेंगे बोलिए। कान खोल। हाँ हाँ अरे खुला है साहब। खुला है? हाँ हाँ ना है दो हो ना परसों ही ना आए थे साहब। अबे मलिच सुन। हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो ना कि तुम मेरी जिंदगी हो तुम मेरी बंदगी हो। कैसा है प्रेम पत्र? कहाँ है मालिक? अबे यही तो है। अरे ये तो गाना है फिल्म का। तो क्या हुआ फिल्म गाना है तो क्या हुआ? अरे प्रेम पत्र हम लिखे हैं डॉक्टर लिखे हैं। बात करते हो ऐसे तो लिखा जाता है यार। नहीं लिखा जाता ऐसा? हम बताएं आपको प्रेम पत्र कैसे लिखा जाता है। अबे तुझे आता भी है? अरे फिर अब बोलिए सही। अच्छा ए ए बता ना। बताओ। हाँ बताओ बताओ बता दो बता। अच्छा तो लिखाया तुमने। अब एक काम करो बेटा उठो उठो और निकल लो। कपड़े तो ले लो मालिक। हाँ लाओ लाओ गिन लीजिए। उठा एक दो तीन चार पांच छह सात। ठीक है ना? हाँ ठीक है निकल लो। अब जाना। ठीक है मालिक सर। दीदे अरे ओ दीदे दीदे अरे धोबी कपड़ा दे के गया है ले जाओ। क्या है क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो दीदी दीदी हैं? खुद कोई काम नहीं होता क्या? तो आप अपना गला काहे फाड़ रहे हैं? हाँ वो बात भी ठीक है। बोल क्या बात है? ये लो। क्या है? पकड़ो तो। वो कपड़ा गया है धोबी देकर। अच्छा हाँ गिने की नहीं तूने? हाँ गिन लिए। तूने गिन लिए? हाँ गिनती आती है तुझे? अब पढ़े हैं और क्या हम जा रहे हैं। गिनती आती है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। चिट्ठी यार धोबी के साथ है और वो धोबी भी लव लेटर लिख रहा है। उस धोबी के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जो फुटबॉल की तरह किक मारूंगा ना कि गोल पोस्ट को फाड़ता हुआ बाहर निकल जाएगा। देख लूंगा उसे देख लूंगा उसे मेरी बीवी के साथ छोड़ूंगा नहीं उसे छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण कहाँ रह गया? अरे रामा यार जगह कोई मिलने की? अरे भैया जहां सुकून से बात हो पाएगी शांति के साथ बात हो पाएगी
ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? अरे यार, शांति किसी लड़की का नाम नहीं है। हुआ क्या, परेशान क्यों है? क्या हुआ, ये देख, ये देख, ये लव लेटर लिखा है किसी ने मेरी बीवी को। पढ़ के सुनाता हूँ। मेरी प्यारी अनामिका, बताओ है, मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। कपड़े पर लगे दाग की तरह तुम्हारा नाम इस दिल पे छिप गया। बताओ यार है, अब मैं कितना भी इसे धोने की कोशिश करूं, ये दाग कभी नहीं छूटेगा। क्या तुम डिटर्जेंट पाउडर की तरह मेरी इस मैली जिंदगी को चमचमाना, कैसे लिखा हुआ गंदी हैंडराइटिंग में, चमचमाना चाहती हो? तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यारा। अबे एक बार लिखने की चीज है प्यारा। अबे ये लव लेटर है, ये एडवर्टाइज है किसी डिटर्जेंट पाउडर का है? क्या अंदाज है प्यार करने का भाई है? चाय का दाग है और देखो डिटर्जेंट पाउडर। तू मेरी साइड है कि उसकी साइड है, है? तारीफ किया जा रहा है उसकी, है? मेरी साइड हूं यार। कमाल करता है यार। क्या अंदाज है प्यार करने का भाई है? चाय का दाग है और देखो डिटर्जेंट पाउडर। तू मेरी साइड है कि उसकी साइड है, है? तारीफ किया जा रहा है उसकी, है? मेरी साइड हूं यार। कमाल करता है यार। मेरी आंखों के सामने एक मामूली धोबी मेरी पत्नी को लव लेटर लिख रहा है और तुझे मजाक सूझ रहा है? उस धोबी के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसी धुनाई करूंगा उसकी कि वो लव लेटर लिखना तो दूर, सिग्नेचर तक करना भूल जाएगा। शांत हो जा धनुषधारी राम, शांत। ये गलती कभी मत करना। तू मुझे ये बता, ये लेटर तुझे मिला कहां से? उस धोबी के बच्चे ने ये लेटर कपड़ों के ऊपर रख के दिया था। तुझे पक्का यकीन है ये लेटर उसी ने लिखा है? सिर्फ लगता है। अबे मुझे पूरा यकीन है, प्यार का इजहार करने के लिए इतना घटिया लेटर एक धोबी लिख सकता है। यार तू फिर भड़क रहा है, अब तुझे काम करना होगा। तुझे भाभी जी के ऊपर पक्की नजर रखनी पड़ेगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, भाभी को इस बात का एहसास ना होने पाए कि तू उनके ऊपर नजर रखा हुआ है। हाँ ठीक है, ठीक है, अगर तू कहता है तो ये भी करके देख लेते, लेकिन धोबी के बच्चे को तो मैं, उस धोबी को तो कुछ नहीं बोलेगा यार, वो धोबी नहीं तो बाजी मार ले जाएगा। आपे वो धोबी मेरी आंखों के सामने बाजीगर का शाहरुख खान बन रहा है और तू कहता है कि मैं चुप रहूं, हैं? देख तू ना अगर उस उल्लू के पट्टे को कुछ भी कहा तो वो सीधे जाके भाभी जी को कहेगा, समझ रहा है? वो भाभी की नजर में हीरो बन जाएगा, भाभी उसे और ज्यादा प्यार करने लगेगी और तू और ज्यादा विलेन और तुझसे नफरत करने लगेगी। क्या ऐसा, ऐसा भी हो सकता है? बस बस बस। देख तू तू कह रहा है तो मैं तेरी बात मान लेता हूँ। अबे ये वाली नहीं, मतलब मैं मान लेता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बता कि मैं पायल पर नजर कैसे रखूंगा? वो वहाँ घर में होती है, है? और मैं काम के सिलसिले में बाहर घूमता रहता हूँ। तू एक काम कर, हाँ? भाभी को हर घंटे फोन किया कर और उनसे मीठी मीठी बातें क्या कर। अबे कमाल की बात कर रहा है यार तू, यहाँ मेरी जिंदगी एक पुरानी किताब की तरह हो गई और तू कहता है मीठी मीठी बातें क्या कर। यार तुम अभी फोन मिला मेरे को, बंद कर, रख ले, है फोन मेरे पास, मिलाता हूँ, पकड़ इसको फोन, पकड़ इसको। तू कह रहा है इसलिए मिला रहा हूँ, बज रहा है, बज रहा है, बज रहा है। उठाई नहीं रही, उठाई भी यार। अरे उठाई नहीं रही। हेलो। हेलो पायल, मैं इतना बुरा हो गया हूँ क्या कि आजकल तुम मेरा फोन उठाने में इतनी देर लगाती हो? ओह भाई साहब, आई एम सॉरी, मैं किचन में थी इसलिए थोड़ा सा वक्त लग गया। अरे यार ये पायल को क्या हो गया, मुझे भाई साहब कह रही है। तू 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 कर 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 फोन चालू, तू फोन कर कर। हेलो पायल। अरे जेठ जी, मैं पायल नहीं शिल्पा बोल रही हूँ। ओह अच्छा शिल्पा, तुम हो? मुझे लगा, मुझे लगा पागल। क्या नाम है उसका? पायल है। हाँ पायल है, पायल को फोन देना जरा। पायल दीदी तो घर पे नहीं है, मार्केट गई है कुछ खरीदने, कुछ काम था क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ काम नहीं था, बस ऐसे ही फोन किया था। बता देना उसको कि मेरा फोन आया था, है? रखता हूँ। अच्छा ठीक है। मैंने कहा था ना उससे, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। पायल आज तक कभी जिंदगी में मार्केट नहीं गई। यार परेशान बहुत होता है तू यार। आज कैसे चली गई? लेटर दे, लेटर दे। ओके तू जा, मैं देख लूंगा, तू जा मैं देख लूंगा आज मार्केट कैसे गई, वो छोड़ूंगा नहीं। जीजी भी कमाल की हैं,
पता नहीं हमको अकेले छोड़ के कहाँ चली गई हैं। हम तो परेशान हो गए, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना भारी है, हमसे उठता भी नहीं है। अरे कौनो रिक्शा उक्शा भी नहीं मिल रहा है यहाँ तो। अरे बाप रे बाप, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ए, बंसी। अरे बाबू जी, जयराम जी की। अरे बंसी, अबे यार अच्छा हुआ तुम मिल गए यार। हैं इस सुनसान रास्ते पे खड़े खड़े हम तो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। तुम जा कहाँ रहे हो? जी मैं तो आपके मोहल्ले की तरफ ही जा रहा हूँ। अरे रे रे रे, ये तो बड़ा अच्छा हुआ यार, तुम तो हमारे मोहल्ले जा रहे हो। यार एक एक छोटा सा काम करोगे हमारा बंसी? क्यों नहीं, मदद करना तो हमारा फर्ज है। अरे कुछ नहीं यार, अभी थोड़ा सामान है ना, इसको जरा घर तक पहुँचाने हमारी मदद करोगे? वैसे इतना सारा सामान? अरे रे यार, बाजार गए थे हम। हाँ अरे वो शॉपिंग हुआ करने। अच्छा अच्छा शॉपिंग, इतना सारा सामान खरीदने के लिए तो आपका बहुत पैसा खर्च हो गया होगा। और नहीं तो क्या, हल्के फुल्के में ले लिए होगा। अब देखो ये तरकारी, ये कपड़ा, ये सब खरीदने मालूम कितना पैसा खर्च होता है? अरे कुल मिला के ये समझ लो तुम 500 और 250, 500 200 मिला कितना हुआ? 500 और 250, 650 रुपए हो गए पूरे। अरे बाप रे बाप, मतलब कि तकरीबन 7 हरी पत्ती। ये दादर दादा।